चुका है और अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में उसने अपनी सेनाएं भेजकर वहां युद्ध जैसे हालात पैदा किए, जबकि सच ये है कि अमेरिका ने इन देशों में जिन बातों को आधार बनाकर अपने सैनिक भेजे थे वो बातें कभी सच साबित हुई नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स विकसित कर लिए जो दुनिया की शांति के लिए खतरनाक, और इसी आधार पर उसने इराक पर हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हुई कि इराक के पास केमिकल वेपन्स कभी थे भी या नहीं। अब बड़ा सवाल है कि क्या किसी देश ने या संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए अमेरिका पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध लगाया? जवाब है, इन मुद्दों पर किसी भी देश ने कभी भी अमेरिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, ना अमेरिका के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ। आपको याद होगा पिछले साल काबुल में अमेरिका की सेना के एक ऑपरेशन में 9 बेकसूर नागरिक मारे गए थे एक ड्रोन अटैक में। तब भी संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए अमेरिका को मानव अधिकारों के उल्लंघन का दोषी नहीं माना, जबकि अमेरिका ने पहले ये कहा कि ये सारे लोग आतंकवादी थे और इन्हें उन्होंने मार दिया। बाद में पता चला कि ये सारे लोग बेकसूर थे और ये वहां के सिविलियंस थे, एक ही परिवार के सदस्य थे जिन्हें उन्होंने गलती से मार दिया। लेकिन किसी भी संस्था ने अमेरिका के खिलाफ कोई ना तो प्रतिबंध लगाया ना ही उनके खिलाफ एक्शन लिया। जो बात आज पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका तो दूसरे देशों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देता है, सैंक्शन लगा देता है, भारत पर भी अमेरिका न जाने कितने प्रतिबंध और सैंक्शन लगा चुका है, आजकल रशिया पर लगा रहा है। लेकिन अमेरिका पर ये पूरी दुनिया गलत चीजें करने के आरोप में कभी भी कोई सैंक्शन या प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता? इसका कारण यह है कि यूनाइटेड नेशंस, WHO, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और तमाम ऐसी संस्थाएं, इन सबको अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ही बनाया है और फंडिंग भी वहीं से मिलती है। अब सोचिए जिन संस्थाओं में अमेरिका का प्रभाव इतना ज्यादा होगा वो अमेरिका पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? इसलिए हम बार बार कहते हैं ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। उदाहरण के लिए रशिया ने अब आरोप लगाया है कि यूक्रेन में ऐसी 30 लेबोरेटरीज हैं जहां यूक्रेन की सरकार अमेरिका की मदद से बायोलॉजिकल वेपन्स बना रही थी, और खुद अमेरिका ने इस बात को माना है कि यूक्रेन में उसकी फंडिंग से बायोलॉजिकल लैब्स चलाई जा रही हैं जहां केवल रिसर्च की जाती थी। अब सोचिए अगर इस तरह की लैब्स रशिया की मदद से बेलारूस या सीरिया जैसे देशों में कहीं चल रही होती तब अमेरिका क्या करता? अमेरिका इन लैब्स को दुनिया के लिए खतरा बताता और वहां अपनी सेना भेजकर तुरंत युद्ध शुरू कर देता। चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के पास बायोलॉजिकल वेपन्स का आरोप लगा रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि अगर भविष्य में इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते हैं तो ये दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे और दुनिया को कोविड जैसी महामारी का फिर से सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वापस लौटे ज़ेलेंस्की के बारे में, तो ज़ेलेंस्की की आज जो ज़ेलेंस्की ने कॉम्प्रोमाइज के संकेत दिए उससे तीन बात पता चलती है। एक ये कि ज़ेलेंस्की का जो उनके जो नेतृत्व क्षमता है वो कमजोर है, वो नेतृत्व ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उनकी रणनीति कमजोर थी। दूसरी बात ये पता चलती है कि अमेरिका जो है वो अब सुपर पावर के तौर पर अपनी जो ताकत है उसे खो रहा है। और तीसरी बात जो पता चलती है वो ये कि आप नेटो और अमेरिका पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। अमेरिका के असली चरित्र का अंदाजा आप इस बात से लगाइए।